नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल उत्तर प्रदेश शासन प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सुरेश राणा द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कृषि मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुभारम्भ किया गया। प्रभारी मंत्री द्वारा कृषि मेले में लगाए गए सामाजिक वन की समाज कल्याण दिव्यांगजन स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण पशुपालन मत्स्य पालन उद्यान फल संरक्षण खादी ग्राम उद्योग जिला उद्योग तथा कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया गया एवं स्टालों से कीटनाशक दवाओं व ब्लैक पॉटरी कृषि यंत्रों बीज आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों से संवाद एवं पीएम किसान की अगली किस्त जारी करने का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ किसान परिवार के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए की नई किस्त का हस्तांतरण बटन दबाकर किया गया। इस क्रम में जनपद आजमगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 70,143 लाभार्थियों के खाते में रुपया 2,000 की छठवीं किस्त भेजी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा उड़ीसा पंजाब महाराष्ट्र तमिलनाडु हरियाणा आदि अन्य राज्यों के किसानों से बातचीत की गई। साथ ही किसानों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केसीसी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर अपना अपना अनुभव साझा किया गया। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान एवं अन्य कृषि कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने आज 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि सीधे 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की है। इसके लिए मैं करोड़ों किसान भाइयों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और आज मैं देख रहा हूँ कि किस तरह किसानों में उत्साह है और लगातार सुबह से ही किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए बेताब हैं और एक चित्त होकर के पिछले 2.5 घंटे से सारे किसान भाइयों ने इस कार्यक्रमों में सहभागिता की है। मैं उन तमाम किसान भाइयों का हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने किसान हित में किए गए फैसले, किसानों के हित में लाए गए कानून तमाम पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जो कृषि सुधार विधेयक हम लाए हैं ये हर तरह से किसानों के हित में है। साथ ही साथ जो भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाए गए हैं, जो भ्रम षड्यंत्र के तहत फैलाए जा रहे हैं, चाहे MSP को समाप्त करने की बात हो, उन्होंने कहा किसी सूरत में MSP समाप्त नहीं होगी, उल्टे MSP को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत सारे किसानों से भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और किसानों ने बताया है कि किस प्रकार मंडी से बाहर अपनी फसल को बेच करके उन लोगों ने अपने मुनाफे को 2 से 3 गुना किया और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं और यही कृषि सुधार विधेयक में उन्होंने कहा है कि हम किसान को खुला मार्केट देना चाहते हैं, किसान को जकड़न से बाहर लाना चाहते हैं, किसान को बंधनों से बाहर लाना चाहते हैं, जिससे किसान अपनी फसल को जहाँ चाहे बेच सकता है, अपनी फसल को जिस राज्य में चाहे बेच सकता है, जिसको अच्छा लगे उसे अपनी फसल दे सकता है। और उसका जो जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि ज़मीन के रहन का, ज़मीन के बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो किसान की फसल का होगा और साथ ही साथ यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो सारे फैसले किसान के हित में हैं। यदि व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे किसान की सारी कीमत को चुकाना पड़ेगा, फसल की पूरी कीमत को देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के हर तरफ से कृषि सुधार विधेयक किसान के हित में है और मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात के लिए भी करूंगा कि इतने बड़े मन के साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोग विपक्ष में हैं, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, फिर भी यदि किसान हित के कोई सुझाव उनके पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरवाजे हर समय खुले हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी,
तमाम लोग किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं और संवाद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हजारों किसान भाइयों की उपस्थिति में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा लाए गए विधेयकों से निश्चित रूप से किसान का भला होने वाला है। किसान खुले मन के साथ उन्नत खेती की तरफ, आधुनिक खेती की तरफ बढ़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।